सहायक सचिव रहते हैं, उनके पत्नी को कुछ तकलीफ होती है प्रेगनेंसी की, तो वो इसी हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। दोस्तों, पंचायत वेब सीरीज सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 में जो मेरे पीछे वाली लोकेशन आप देख रहे हो ना, इसको कई बार दिखाया गया है। कब कब दिखाया गया है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले सीजन 1 में जब शुरुआत होती है तो जो सचिव जी आते हैं गांव में, फुलेरा गांव में, वो इसी रोड से आते हैं। आप एक बार ये लोकेशन मैच कीजिए, नीम का पेड़ रहता है इधर से जो है वो सचिव चल के आते हैं। सीजन 1 की हम बात कर रहे हैं तो इधर से आते हैं वो इधर, और यहाँ पर एक बोर्ड लगा रहता है जिसमें लिखा रहता है कि ग्राम पंचायत फुलेरा में आपका स्वागत है। तो ये बोर्ड यहाँ पर लगा रहता है, एक बार और आप अच्छे से देख लीजिए ये, और उसके बाद लोकेशन इधर की आती है। एक लोकेशन तो वो है, उसके बाद जो नए सचिव आते हैं ग्राम पंचायत फुलेरा में ज्वाइनिंग करने के लिए, अभी सीजन 3 की बात अगर हम करें तो उनकी भी जो है उधर से इधर से एंट्री होती है। जस्ट मेरी उंगली के सामने से वो आते हैं और यहाँ से वो इधर जाते हुए दिखाई देते हैं। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये कच्चा रास्ता गांव में गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ी सी दूरी किया गया है, ज़्यादा नहीं किया गया है, तो इसी रास्ते से जाते हैं और ये नीम का पेड़ उसमें भी नज़र आता है। तीसरी लोकेशन और मैं आपको बता देता हूँ, जब दरअसल जो है सहायक सचिव और प्रहलाद चाचा कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं बसों से, तो वो भी इसी जगह पर बैठते हैं। आप ये लोकेशन देख सकते हो, तो इसी जगह का वो सीन लिया गया है। बसों को रोकने का काम भी यहीं पे किया जाता है। ये लोकेशन, ये रोड है, यहाँ पर बस को रोकते हैं और यहाँ पर वो चंदा लेते हैं। उसके बाद एक और लोकेशन आती है, जब दरअसल जो सचिव साहब रहते हैं उनकी एग्ज़ाम रहती है सीजन 3 की अगर हम बात करें, तो वो छोड़ने आते हैं, जिसमें प्रहलाद चाचा प्रधान रहते हैं और सहायक सचिव रहते हैं। तो जो छोड़ने आते हैं वो इसी जगह पर छोड़ने आते हैं, यहाँ पर वो बैठे रहते हैं। आप ये लोकेशन एक बार मैच कीजिए, इसी नीम के पेड़ के यहाँ बैठे रहते हैं छोटे से देवता बैठे हुए, इनको भी दिखाया गया है, और ये वो नीम का पेड़ है। और जो सचिव साहब रहते हैं वो यहीं से बस पकड़ते हैं, इधर से बस आती है और उस बस में वो यहीं से बैठ जाते हैं। ये आप लोकेशन मैच कर सकते हैं। और एक चीज़, जब सचिव बैठ जाते हैं तो फिल्म के सबसे अंत में, यानी कि थोड़ी से पहले, एक सीन आता है कि प्रधान पर और प्रहलाद चाचा पर और सहायक सचिव पर फायरिंग होती है। दो गुंडे आते हैं इधर से बाइक से और उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, तो वो भी सीन यहीं का लिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, इधर से दो गुंडे आते हैं और फटाफट फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये वही नीम का पेड़ है जहाँ पर वो दोनों बैठे रहते हैं, तीनों बैठे रहते हैं, और यहाँ से वो उठकर भागते हैं। और जो सचिव साहब रहते हैं वो भी यहीं पर रहते हैं, वो भी भाग जाते हैं, वो बस में बैठ जाते हैं। तो फिर तीनों बचते हैं, वो प्रहलाद चाचा, प्रधान और सहायक सचिव। फिर दरअसल वो इधर भागते हैं, आपको ये मकान भी नज़र आता होगा और इधर ये वेयर हाउस टाइप के बने हुए ये भी नज़र आते होंगे थोड़े थोड़े से। तो वो इधर भागते हैं, मैं आपको बता देता हूँ किधर भागते हैं। और गोली लगती है जो प्रधान को, वो कहाँ लगती है वो भी लोकेशन में बता देता हूँ। तो इस घर के अंदर का भी सीन लिया गया है जहाँ पर वो छुपते हैं, गुंडे उन्हें गोली मारते हैं, तो इस घर के अंदर का तो ये भी दिखाया गया है यहाँ पर। और दरअसल इधर भूसा पड़ा हुआ था पहले यहाँ पर, तो यहाँ का भी सीन आता है, एक बार आप और देखिए। और इस घर में वो छुपने की कोशिश करते हैं और जो गोली लगती है वो यहाँ पर लगती है, जस्ट इसी जगह पर मैं जहाँ खड़ा हूँ इसी जगह पर गोली लगती है प्रधान को, क्योंकि वो दोनों गुंडे गोली मार देते हैं। और ये यहाँ पर इधर ये थोड़े थोड़े से आपको वेयर हाउस भी नज़र आते होंगे, तो ये आप एक बार लोकेशन देख सकते हो, इसी घर का इस्तेमाल किया गया है उसमें, ये है ना। तो ये सीन मैंने आपको दिखा दिया। और जब गोली लग जाती है तो उन्हें दरअसल लेके जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन पहले सीन आप मैच कीजिए, ये ऐसे पौधे भी उसमें, पेड़ पौधे भी नज़र आते हैं और रास्ता ये है। तो ये हमने तमाम वो शूटिंग लोकेशन बता दिया आपको जहाँ पर गोली मारने का सीन आता है गुंडों के द्वारा, और ये रास्ता जो गाँव में जाता है, और जो भी सचिव आते हैं वो इसी रास्ते से गाँव में एंट्री करते हैं। तो ये घर भी दिखाया गया है थोड़ा सा, इसी घर के यहाँ कहीं ना कहीं फाइटिंग होती है लास्ट में, और उधर वेयर हाउस बने हुए हैं, थोड़ा सा सीन उनका भी लिया गया है। तो ये नीम का पेड़ और नीम के पेड़ के यहाँ की लोकेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी। तो आई होप आपको ये भी लोकेशन ठीक ठाक लगी होगी, मैच आपने कर ही ली होगी। अगर मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस समय तकरीबन 45 से 47 डिग्री पारा है और उसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ तेज धूप में, हालत की माँ बहन हुई पड़ी, लेकिन ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। गुड बाय।
दोस्तों पंचायत वेब सीरीज में दो बार इस हॉस्पिटल का सीन आता है। आप सभी को पता होगा, सबसे पहले जो सहायक सचिव रहते हैं उनके पत्नी को कुछ तकलीफ होती है प्रेगनेंसी की, तो वो इसी हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। आप एक बार ये हॉस्पिटल देख लीजिए, लिखा रहता है न्यू रुद्र हॉस्पिटल। जी हाँ, इसी हॉस्पिटल का कहीं ना कहीं जो है पंचायत वेब सीरीज में दो बार सीन लिया गया है। अब एक बार तो पहला सीन मैंने बता दिया कि जो सहायक सचिव रहते हैं उनकी पत्नी को यहीं पर एडमिट करने आते हैं, और दूसरा सीन जो दिया जाता है वो जो प्रधान रहते हैं उनके गोली लग जाती है, और गोली लगने के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो वो इसी में करते हैं। आप ये एक बार और देखिए, इसी में लेकर आते हैं, और ये लिखा रहता है इधर रोड है, इधर से वो लोग आते हैं। तो ये वही हॉस्पिटल है, आप एक बार और अच्छे से मैच कर लीजिए। ये इसी में जो है प्रधान को जो है एडमिट किया जाता है, गोली लगने के बाद उनका ट्रीटमेंट यही चलता है। उसके बाद एक सीन और आता है जब दरअसल फाइट होती है, सबसे अंत में जो पार्ट 8 में आता है, जहाँ विधायक के, भूषण के और सचिव के, प्रहलाद जी के है ना, सहायक सचिव के, इन सभी के जो भिड़ंत होती है, फाइटिंग होती है, वो इसी जगह पर होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से अंदर से जो है प्रधान जी का हलचल लेकर सचिव और सहायक सचिव और प्रहलाद चाचा, ये तमाम लोग निकलते हैं यहाँ पर, है ना, और बम बहादुर भी रहते हैं, और यहाँ पर जो है विधायक आते हैं, इधर विधायक आते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में हालचाल पूछने के लिए। तो विधायक के साथ भी 4-5 लोग रहते हैं, और उनके बीच में फिर फाइट होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कह सकते हैं गन्ने का ठेला लगा दिया जाता है, और गन्ने से मारपीट होती है, चाय के तपेले से मारपीट होती है। तो ये लोकेशन एक बार और आप अच्छे से मैच कर सकते हो, इसी जगह का वो सीन लिया गया है। और ये सीहोर से तकरीबन 5-7 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, तो ये वही हॉस्पिटल है न्यू रुद्र। तो इसका कहीं ना कहीं सीन वेब सीरीज में दिखाया गया है, आप ये और अच्छे से एक बार मैच कर सकते हो। ये तो यहाँ पर वो फाइट होती है विधायक जी के और सहायक सचिव इनके, और सचिव के इनके सबके प्रहलाद चाचा के, यहीं पर फाइट होती है, और पुलिस भी उनको यहीं से उठा के ले जाती है। तो ये लोकेशन देख लो, नाइट का टाइम होता है, नाइट के टाइम पर फाइटिंग होती है ना, ये वाली लोकेशन भी मैंने आपको कवर कर दी। तो आई होप ये लोकेशन भी आपको पसंद आई होगी। चलो अब चलते हैं, एक और लोकेशन बची है जो दरअसल विधायक साहब का घर है, वो हमें मिल नहीं रहा है, अगर मिलेगा तो वो भी आपको बताएंगे। बाकी अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, और एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ अच्छे। इधर से विधायक जी आते हैं, है ना, और उधर से सचिव साहब और सहायक सचिव, ये तो इनकी भिड़ंत काफ़ी देर तक यहीं पर होती रहती है ना। ये वाली लोकेशन तमाम ली गई है, यहाँ पर ठेले लगे रहते हैं, चाय का ठेला लगा रहता है, और गन्ने वाले का रहता है, गन्ने से भी पिटाई इसी जगह पर होती है। तो ये लोकेशन वही है, और काफ़ी यहाँ पर रिक्वेस्ट करना पड़ी है ना, आधार कार्ड और ये सब चीज़ दिए, उसके बाद हमें बाहर बाहर की लोकेशन कवर करने का कहीं ना कहीं उन्होंने अवसर दिया, मौका दिया। तो चलो कोई बात नहीं, हमने अपना काम कर लिया, लोकेशन दिखानी थी हमने दिखा दी, अब चलते हैं हम विधायक का मकान देखने, जो उनकी हवेली रहती है, आखिरकार वो कहाँ पड़ती है, कैसी लगी लोकेशन ज़रूर बताएगा। गुड बाय।